स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, प्रेमी के साथ रहूंगी बोलकर घर से निकली दुष्कर्म पीड़िता का शव पटरी पर टुकड़ों में मिला। बिलासपुर, प्रेमी के साथ रहने की बात स्वजन को बोलकर घर से निकली दुष्कर्म पीड़िता का शव रेलवे पटरी पर कई टुकड़ों में मिला है। मृतक का अपहरण और दुष्कर्म पीड़िता थी। बैलगहना पुलिस चौकी मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट व जाँच के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे बैलगहना पुलिस चौकी को सूचना मिली कि ग्राम मांझीपारा स्थित रेलवे ट्रैक पर किसी का शव कई टुकड़ों में पड़ा है। सूचना पर पुलिस की टीम जांच करने के लिए घटना स्थल पहुंची। शव के 3 टुकड़े हो गए थे, पास ही एक बैग मिला है। पुलिस ने आसपास मृतका के स्वजन की तलाश की। मृतका की पहचान क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय युवती के रूप में की गई। स्वजन ने पुलिस को बताया कि वो स्कूल में पढ़ाई करती थी। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे अपने बैग लेकर घर से निकल रही थी। स्वजन के पूछने पर उसने प्रेमी के पास जाने और अब उसी के साथ रहने की बात की। इस बीच किशोरी के साथ क्या हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने बताया कि 3 माह पहले किशोरी ने अपने प्रेमी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई थी। मामले में पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चलेगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वजन ने किशोरी की हत्या करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी उसके साथ अपहरण व दुष्कर्म हुआ था। इसी रंजिश के चलते उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। उनका कहना है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। दोपहर को वो अपने प्रेमी के पास जाने की बात बोलकर निकली थी। इस मामले की गंभीरता से जाँच होनी चाहिए।